रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल कटिंग को हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं जिससे हमें हंड्रेड परसेंट रिज़ल्ट मिले वो लीव से प्रॉपिगेशन हो या कटिंग से हो तो आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल से ये बताऊंगी कि हम किस तरीके से कटिंग को ग्रो कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप जान ले सक हमने इसके लिए पॉट कैसे सेलेक्ट करना है किस साइज़ का पॉट हमने लेना है दूसरी बात ये कि हमने पॉटिंग मिक्स किस तरीके से लेनी है कौन सी सॉइल में हम सकुलन को ग्रो कर सकते हैं जिसमें हमें हंड्रेड परसेंट रिजल्ट मिलेगा और फिर हमने इसको किस तरीके से लगाना है और कैसी जगह पर रखना है आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल से ये बताऊँगी कि हमने सकुलेंट को किस तरीके से ग्रो करना है सबसे पहले मैं ये आपको बताऊँ कि ये मैंने कुछ पॉट ऑनलाइन मंगवाए थे तो सिक्सटी सिक्स फिफ्टी के मुझे ये सारे पॉट्स मिले थे इसके साथ एक तीन और भी है जो बॉन्साई पॉट है तो ये सारे कुछ फोटी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फोर्टी इसी इसी तरह प्राइस में है ये सारे पॉट्स और कुछ एक दो जो है तो वो वन फिफ्टी के मुझे बॉन्साई पॉट मिले हैं तो इसके अलावा फ्रेंड आपने न, क्या काम करना है कि इनमें सबसे पहले आपने होल करना है होल करने के अलावा फिर आपने जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो ये है कि आपने इसमें नीचे स्टोन डालने हैं स्टोन आपने ज़रूर डालने हैं क्योंकि अगर हमारे आपसे कभी ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो आपकी जो प्लांट्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे तो आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल से ये बताऊंगी हमने किस तरीके से सकुलेंट को रिपोर्ट करना है ग्रो करना है कटिंग को कैसे लगाना है और कौन सी जगह पे रखना है और किस तरीके से हमने इसको पानी देना है ताकि समर में भी आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाए और ख़राब ना हो क्योंकि अक्सर लोगों के प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं उनके सकुलेंट मर जाते हैं क्योंकि वो कुछ मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो सबसे जो ज़रूरी बात है ये देखिए फ्रेंड ये एक कटिंग है मैं इसको लगाऊंगी ये कुछ पॉट्स से मैंने निकाले थे तो ये देखिए इसे की कटिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये स्टेम जो लंबी है तो उसको आप काट ले एक दो लीव हटा ले इसको भी आप लगा ले और जो आपकी कटिंग स्टेम रह गई है उसको आप भी लगा ले तो इससे भी ये जो खाली सिर्फ स्टेम है इससे भी बेबी प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाए और जो कटिंग हमने ली है वो भी कटिंग ग्रो हो जाएगी और इस तरीके से ये जो मेरे कुछ प्लांट्स है जो लेगी हो गए थे तो इसकी स्टेम काफ़ी लंबी है तो इस तरीके से मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। आप भी इसी तरीके से इसको रिपोर्ट करें और सॉइल में मैंने कौन कौन सी चीजें ली है वो भी आपको मैं बताती हूँ कि हमने सॉयल में क्या क्या ऐड किया है कोकोपीट कंपोस्ट परलाइट और आ, सेंट ये चार चीज़ें आपने इक्वल लेनी है इसके अलावा आपने डालनी है बोनमील ब्रिक्स और बोनमील और वर्मिकुलाइट अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं आप इसकी जगह एक ही कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं इसके अलावा जो राख है राख और नीम की कली में भी आप एक डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल दोनों नहीं है तो आप फिर फंजीसाइड एक चम्मच डाल दें तो इन चीज़ें का मिक्सचर मैंने बनाया है और इसी सॉइल में हम ये जो मेरे प्लांट्स हैं इसको मैं ग्रो कर रही हूँ यहाँ पे मैंने कुछ प्रोपिगेशन की थी लीफ से कुछ कटिंग से तो यहाँ आप देख सकते हैं सबकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है और इन्हीं प्लांट्स को अभी मैंने इन पॉट्स में लगाना है क्योंकि इसमें कुछ पॉट्स छोटे हैं और कुछ थोड़े से बड़े हैं तो ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं सकुलन के लिए आपने हमेशा छोटा पॉट ही सेलेक्ट करना है और ये देखिए फ्रेंड ये है कैट uh, स्टंग का प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसकी लीव से भी इसकी प्रोपिगेशन हो गई है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है इसमें बेबी प्लांट निकलना स्टार्ट हुआ है यहाँ मैंने कुछ कैम्फायर के लीव्स रखे हैं कुछ सीडम के तो सब की अच्छी ग्रोथ हुई है ये है के की एक वैरायटी इसको मैं इस्पॉट में लगाऊंगी और सॉइल मैंने सब के लिए एक ही ली है और इसी तरीके से अगर आपने सॉइल बनाई तो आपका आपके सुकुलन ख़राब नहीं होंगे इसके अलावा जो हम फिर ख्याल आपने फिर ये करना है कि हमने कौन सी जगह पर रखना है कैसे पानी देना है वो भी अभी आपको मैं बताती हूँ तो इस तरीके से आपने पॉट्स में जो कटिंग मैंने पहले से ग्रो की है वो तो मैं इसी तरीके से लगा रही हूँ लेकिन अगर आपने डायरेक्ट कटिंग भी लगानी हो तो वो भी आप इसी तरीके से आसानी से लगा सकते हैं बस आपने फिर ख्याल करना है कि एक दफ़ा आप पानी दे दे फिर आपने बार बार पानी नहीं देना एक ही बार पानी दे के फिर आप दस पंद्रह दिनों तक आपने इसको पानी नहीं देना जब तक कि इसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो जाती जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो तब आपने फिर इसको तीन चार दिनों के बाद ही समर में पानी देना है फिर भी आपने डेली पानी नहीं देना ये अब ये और जो छोटे पॉट्स है तो इसमें मैं यही एक छोटी सी कटिंग लगाऊंगी एचवेरिया की और ये जो छोटी सी स्टेम कटिंग रह गई है वो भी इसी के साथ मैं लगा लूंगी तो दोनों की ग्रोथ हो जाएगी ये जो छोटा सा पॉट है ये नाइन रुपीज का मुझे मिला है बहुत खूबसूरत क्यूट सपॉट है तो इसमें भी मैंने एचवेरिया की कटिंग को लगा लिया और ये जो गोल सपॉट है इसमें मैं दो तीन कटिंग लगाऊंगी एचवेरिया की कुछ कटिंग लगा रही हूँ और कुछ जो मैंने लीव से प्रोपिगेट ये सारे प्लांट किए थे तो ये लगा रही हूँ इसी तरीके से आप भी अगर आपने अभी तक लीव्स की प्रोपिगेशन नहीं की तो वो आप लीव्स अभी से रख रख लें सैंड और कोको को, को, के ऊपर और अगर आप ऐसी सॉयल बना के इसके ऊपर भी रख लेंगी तो अच्छी ग्रोथ होगी आप डेली इस पर फिर शावर किया करें आप मिट्टी को सूखने ना दिया करें तो आपके जो प्लांट है बहुत अच्छी तरह से ये लीव प्रोपिगेशन हो जाएगी अब ये जो आ, मेरा दूसरा पॉट है ये देखिए कितना ख़ूबसूरत इसका शेप है तो इसमें मैं आ, मैंने साइड पे एक जेट की जेट की कटिंग लगाई है जो मैंने पहले से ग्रो की थी तो वो लगा ली अब एक साइड पे मैं सारे जो छोटे छोटे मैंने इस लीव से ये प्रोपिगेशन की थी सीडम की तो वो लगाऊँगी एक साइड पर मैंने सारे सीडम ही लगाने हैं क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और ये ज़रा बड़े से बड़े हो जाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और इस तरीके से आप भी अपने सकुलेंट को ग्रो कर सकते हैं सकुलेंट की केयर बहुत आसान है इतनी मुश्किल नहीं है बस आपने सनलाइट का ख्याल रखना है सॉइल का ख्याल रखना है और पानी का पानी आपने फेब समर में इस तरीके से देना है कि आपने प्लांट्स के ऊपर से पानी नहीं देना पॉट के नीचे से आपने पानी देना है और आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना स्प्रे बोतल से आपने पानी देना है ताकि इसमें ज़्यादा पानी कड़ा ना हो जाए क्योंकि अगर आपने होल किए हैं फिर तो आपके और सॉइल भी आपने इस तरीके से बनाई तो फिर तो आपके प्लांट्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे बल्कि बारिश में भी आपके प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसी जगह पे आप इनको रखें जहाँ पे बारिश का पानी इन पे डायरेक्ट ना आए क्योंकि अगर डेली तीन चार दिन इन पर बारिशें हुई तो फिर आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे इस तरीके से आपने आप जगह सेलेक्ट करनी है कि एक दो घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इन पे आए लेकिन फुल डे की सनलाइट इन पर ना आए और ऐसी जगह हो जहाँ पर बाकी पूरे दिन शेड हो लेकिन ग्रीन नेट के नीचे हो आपने बिल्कुल कवर्ड एरिया में भी इनको नहीं रखना फिर भी इनकी ग्रोथ नहीं होगी तो इन तरीक़ों से आप अपने जो सकुलेंट है इनको सेफ़ कर सकते हैं क्योंकि विंटर समर में अक्सर लोगों के जो प्लांट्स है ख़राब हो जाते हैं तो ये वाइट स्टोन में ज़रूर ऐड करती हूँ इसके साथ प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं तो आप भी अगर इसमें वाइट स्टोन डालेंगी तो इसको पहले से आपने वाश करना है उसके बाद ही आपने फिर स्टोन डालने हैं इसके अलावा फ्रेंड आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इनको आपने एक दफ़ा अभी जब स्प्रे बोतल से मैंने ये स्प्रे कर दी तो अभी आपने कुछ दिनों तक 15 डेज़ तक आपने इनको पानी नहीं देना और ऐसी जगह पे रखना है कि बारिश से भी बचे एक घंटे की सनलाइट भी आए और आपने पानी भी फिर खुद भी आपने पानी नहीं देना अगर बारिशें भी हुई तो तब भी आपने इनको बचाना है बारिश से और जब आप लीफ प्रोपिगेशन करेंगे तो लीफ को आपने उसको भी आपने ऐसी जगह पे रखना है कि एक दो घंटे की डायरेक्ट सनलाइट भी आए और बाकी शेड में हो डायरेक्ट फुल डे की सनलाइट में भी आपने लीव्स को अभी नहीं रखना क्योंकि अभी जो सनलाइट है बहुत तेज़ हो गई तो आपने इसलिए ख्याल करना है कि डायरेक्ट सनलाइट में आपने फिर अभी सकुलेंट के लीव्स को प्रोपेगेट नहीं करना अभी भी टाइम है अभी भी लीव्स की प्रोपेगेशन हो सकती है लेकिन ज़्यादा समर में फिर आप लीव्स की प्रोपेगेशन नहीं कर सकेंगी अगली वीडियो इंशाल्लाह फिर मैं लीफ की प्रोपिगेशन जो मैंने की है उसके ऊपर भी आएगी तो वीडियोस को डेली देखा करें ताकि आपको हर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके मैं डेली हर तीन चार प्लांट्स की कटिंग के बारे में और केयर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देती रहती हूँ तो आपको आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इंफॉर्मेशन मिलती रहे अगर आपने किसी भी प्लांट के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी मेरे सब्सक्राइबर को अगर आ, किसी भी प्लांट की कोई भी आ, टेंशन है किसी भी चीज़ की तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में तो इसके अलावा फ्रेंड आपने इन सब बातों को फॉलो करना है जब तक कि आपने इनको फॉलो नहीं किया एक एक स्टेप को तो फिर आपके जो सकुलेंट है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे अब ये जो दूसरा पॉट है इसमें मैं एक साइड पर सारे सीडम लगाऊंगी सीडम की मैंने लीव से ही कुछ प्रोपिगेशन की थी और कुछ मैंने आ, कटिंग लगाई थी सब की अच्छी ग्रोथ हो रही है ये कुछ मैं कटिंग डायरेक्ट लगा रही हूँ कुछ मैंने पहले से ग्रो किए थे लेकिन इनकी भी कटिंग लग जाएगी बहुत जल्दी इनकी प्रोपिगेशन स्टार्ट हो जाएगी और साथ में मैं लगाऊंगी दो साइडों पे सीडम सीडम का बहुत ही ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और कम आ, कम से कम छोटे से छोटे पॉट में और कम मिट्टी में भी इसकी कटिंग लग जाती है इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी आप लगा सकते हैं बहुत खूबसूरत प्लांट है लेकिन समर में आपने इसको डायरेक्ट सन लाइट में नहीं रखना शेड में रखना है पानी डेली डालना है तो तब ही इसकी अच्छी ग्रोथ होगी इसके अलावा फ्रेंड आपने इसका ये ख्याल करना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में अभी नहीं रखना अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखा तो आपका जो ये सीडम है ये ख़राब हो जाएगा तो इसलिए आपने इसको साइट पे ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे इस पर सिर्फ एक घंटे की डारेक्ट लाइट आए वो भी नेट के नीचे से या किसी दरख्त के नीचे से तो ऐसी लाइट इसके लिए ज़रूरी है डारेक ब्राइट लाइट आ इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है फिर आपके जो प्लांट है ये ख़राब हो जाएंगे इसके अलावा इसके साथ मैं कुछ एचवेरिया की कटिंग्स लगाऊंगी ये सारी मैंने लीव से कुछ प्रोपिगेशन की थी और कुछ मैं अभी कुछ छोटी छोटी कटिंग्स लगा रही हूँ लेकिन ज़्यादा मैंने लीव से ही प्रोपिगेशन इनकी की तो इनके जो प्लांट्स हैं काफ़ी बड़े हो गए बाकी जो मैंने लीव से प्रोपिगेशन की है वो नेक्स्ट वीडियो में इनशाला आपके साथ शेयर करूंगी उसके लिए मैंने और पॉट तैयार किए हैं तो वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी इनशाला जल्द ही वो वीडियो भी आने वाली है वीडियोज़ को डेली देखा करें ताकि आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके तो इन तरीक़ों से आपने अपने सकुलेंट को बचाना है समर में अगर आपने फिर भी किसी भी बात के बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं इसके अलावा सकुलेंट की कटिंग अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं मैं इंस्टा की आईडी शो कर दूंगी आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें तो वहाँ पर आपको मैं डिटेल से फिर बता दूंगी कि आपको किस तरीके से और कौन कौन सी अगर आपको कटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट में उनकी पिक्चर सेंड कर सकते हैं तो आज की वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं अगर किसी बात की समझ नहीं आई या कि कोई भी आपने बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं ये देखिए फ्रेंड अब आपने एक बात का ये ख्याल करना है कि बार बार इसको फर्टिलाइज़र भी नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी हमने इसकी सॉइल में बहुत अच्छी तरह से कंपोस्ट ऐड की है तो आ, इसको अभी बार बार फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने देना हो मंथ में एक बार तो आप बोन मिल एक चम्मच एक लीटर पानी में डाल के तो उसकी स्प्रे अपने सारे प्लांट्स पर कर सकते हैं ज़्यादा नहीं और कोई भी फर्टिलाइजर आप अपने सकुलन प्लांट्स को नहीं देंगे नहीं तो आपके जो प्लांट्स हैं वो खराब हो जाएंगे तो बस इस बात का आप इन बातों का आप ख्याल रखेंगी तो आपके जो प्लांट्स है बहुत अच्छी तरह से सरवाइव कर जाएंगे और बहुत ही ख़ूबसूरत लगेंगे आज की वीडियो फ्रेंड आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए डेली 11:30 थर्टी मेरी वीडियो आती है तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके थैंक यू अल्लाह हाफिज़